नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। 1 जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर लगी रोक पर सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने सब कुछ प्रशिक्षण करने और सारी व्यवस्था देखने के बाद चारों धामों में कुल 750 श्रद्धालुओं के दर्शन करने की व्यवस्था की थी और एक वरिष्ठ अधिकारी को हर धाम में मॉनिटरिंग के लिए रखा था। साथ ही जिला प्रशासन के साथ बैठकर कोऑर्डिनेशन के साथ यात्रा की तैयारियों की मॉनिटरिंग करने का काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया था। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो स्टे ऑर्डर दिया गया है उसके निर्णय की कॉपी मिलने के बाद और उसका प्रशिक्षण करने के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार आगे का निर्णय लेते हुए उच्चतम न्यायालय जाएगी। बता दें, प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू करने जा रही थी जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं हाईकोर्ट ने 7 तारीख तक सरकार से शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। जजमेंट की कॉपी प्राप्त नहीं हुई है, जजमेंट की कॉपी प्राप्त होते ही परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण करने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो सरकार उच्चतम न्यायालय जाएगी। हमने सब कुछ पूरी तरह परीक्षण करने के बाद और सारी व्यवस्था देखने के बाद चारों धामों में कुल मिलाकर के 750 यात्री ही चारों धामों में कुल मिलाकर के दर्शन कर सकते थे। इस तरह का संख्या भी सीमित की थी और एक एक वरिष्ठ अधिकारी को हर धाम में जो देवस्थानम बोर्ड और जो जिला प्रशासन के साथ बैठ के उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ यात्रा की तैयारियों की मॉनिटरिंग करने का काम की जिम्मेदारी के साथ भेजने का निर्णय लिया था। ऐसी परिस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया, जो स्टे किया गया, उसके मैंने आपसे कहा कि उसके निर्णय की कॉपी मिलने के बाद उसके परीक्षण के बाद ही सरकार इसमें आगे का निर्णय लेगी। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।